मोदी जी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बने हैं? उनको जवाब देना पड़ेगा। 70 साल में ये पहली बार है कि कोई भी गुंडे पुलिस के आगे, गृह मंत्री के आगे, नरेंद्र मोदी के आगे नाक के नीचे घुसकर देशवासियों को, छात्रों को, महिलाओं को ऐसी कैसे हो जाता है इस देश के अंदर कि इतनी बड़ी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर 50-60 लड़के लड़कियां नकाब पहनकर गुंडे यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाते हैं और ना पुलिस की तरफ से अभी तक कोई निर्णायक बात सामने आई है, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है। अगर इस देश के अंदर इतना बड़ा घटना दिल्ली जैसे शहर में और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है और अब तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ असफलता नहीं दिखा था, दिखाता है कि कैसी मानसिकता इस सरकार की है और कैसे वो इन छात्रों को देखते हैं। कल रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पुलिस के नाक के नीचे, पुलिस के छत्र छाया में, पुलिस के सहायता के साथ विश्वविद्यालय में 50-80-100 गुंडे मुंह पे कपड़े बांधे हुए खुले आम घूम रहे थे, हाथ में किसी के रॉड, किसी के डंडा, किसी के लाठी, उनके पीछे पुलिस। और वो क्या कर रहे थे? वो बच्चों को, प्रोफेसर को, महिलाओं को, जो विश्वविद्यालय जिनका घर है उनके घर में घुसकर, जो पुलिस उनकी रक्षा के लिए लगाई गई थी वो रक्षा घर वालों की नहीं कर रही थी, विद्यार्थियों की नहीं कर रही थी, महिलाओं की नहीं कर रही थी, वो रक्षा किसकी कर रही थी? वो रक्षा उन गुंडे, बदमाश, एबीवीपी, आरएसएस, बीजेपी के चमचों की कर रही थी। तो ऐसी पुलिस, ऐसे गृहमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के छात्र, हिंदुस्तान के महिला, हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान के आम आदमी को नहीं चाहिए। छात्रों पर जो मारते हैं उनको पुलिस प्रशासन बचाती है। यूपी में जिस महिला आपको बलात्कार करता है बीजेपी का एमएलए, पुलिस और प्रशासन उस एमएलए की रक्षा करती है, उस महिला की रक्षा नहीं करती। उसके पिताजी जब एफआईआर दर्ज कर रहे हैं तो प्रशासन और पुलिस पिताजी को लॉकअप में बंद कर उनकी हत्या करती है। प्रशासन और पुलिस महिला और उनके पिताजी को न्याय नहीं देती। जो बर्बरता से, जिस दरिंदों ने उनको रेप किया था, उनके लिए पुलिस और प्रशासन काम कर रही है। नीरव मोदी लोगों के हजारों हजारों करोड़ रुपए खा के, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचा के, उनके नाक के नीचे देश छोड़ के भाग जाता है। तो ये प्रशासन किसके लिए काम कर रही है? ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये पुलिस किसके लिए कर रही है? मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये प्रशासन, पुलिस सरकार के नाक के नीचे से फोटो खिंचा के देश छोड़ के भाग जाते हैं, तब कहां थी आपकी पुलिस? मैं पूछना चाहता हूं देशवासियों से, विद्यार्थियों से, महिलाओं से, लाचारों से, बेचारों से, सेवकों से, नागरिकों से, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये सरकार, ये गृह मंत्री, ये प्रधानमंत्री किसके लिए हैं? किसकी चौकीदारी करते हैं? किसकी सेवा करते हैं? वो गुंडे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, जो पुलिस बीजेपी एमएलए सेंगर की रक्षा करती है, उनके लिए पुलिस, उनके लिए प्रशासन, उनके लिए सरकार, उनके लिए अमित शाह, उनके लिए नरेंद्र मोदी, उनके लिए बीजेपी सरकार, उनके लिए आरएसएस चलती है? नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार, नहीं चाहिए हमें ऐसी प्रशासन, नहीं चाहिए हमें ऐसी पुलिस, नहीं चाहिए हमें ऐसा प्रधानमंत्री, नहीं चाहिए हमें ऐसा गृह मंत्री। इन सबको पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, लोगों के सामने जाके हाथ जोड़कर, पैर पड़कर माफी मांगना पड़ेगा।